इस तरह से दोस्तों आपका सेम वीडियो में यहाँ पर जीपीएस में जैसे कि यहाँ पर कोई सक्सेसफुल नहीं हुआ है दोस्तों, इस ट्रिक में हार्ट रिसर्च जो है यहाँ पर सक्सेसफुल यहाँ पर नहीं हो रहा है दोस्तों। और यहाँ पर दोस्तों सेम वीडियो में जैसे ही यहाँ पर जीपीएस में यहाँ पर जाएंगे दोस्तों, राइट यहाँ पर सक्सेसफुल 100% यहाँ पर वर्किंग है दोस्तों। हेलो फ्रेंड, स्वागत है इस नए वीडियो में दोस्तों। ओप्पो का सेट है दोस्तों, ओप्पो का सेट में यहाँ पर पैटर्न लगा के भूल गए हैं, तो दोस्तों नया ट्रिक यहाँ पर आ गया है दोस्तों, कैसे सक्सेसफुल करके यहाँ पर अनलॉक करना है। और वाइप डाटा में यहाँ पर जाएंगे दोस्तों, आपका स्क्रीन लॉक का जो प्रॉब्लम है यहाँ पर टोटल यहाँ पर सॉल्यूशन यहाँ पर आ गया है दोस्तों। तो इस तरह से आपको यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, बस आपको यहाँ पर कुछ स्टेप फॉलो करना है सेम टू सेम, और आपको दोस्तों सक्सेसफुल लाना है। कैसे अनसक्सेसफुल होता है, कैसे सक्सेसफुल होता है, दोनों को दोस्तों स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। बस आपको यहाँ पर वीडियो को दोस्तों आपको पूरा वॉच करना है विदाउट स्किप। ओप्पो का सेट है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं रियल मोबाइल विथ रियल ट्रिक, इसका अप्लाई करेंगे दोस्तों और आपको यहाँ पर अनलॉक करके दिखाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आप यहाँ पर आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पर अनलॉक लगा के भूल गए हैं, तो आपको यहाँ पर दोस्तों आपको यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप करके आपको यहाँ पर अनलॉक करना है। तो इस तरह से टाइमिंग रिमेनिंग चलता है दोस्तों। तो हम आपको यहाँ पर दिखा दें कि आपको यहाँ पर कौन सा प्रॉब्लम का आपका फेस होता है और आपका हार्ड रिसेट यहाँ पर सक्सेसफुल क्यों नहीं होता है। तो यहाँ पर दोस्तों इस तरह से जो है मोबाइल को अगर पावर ऑफ कर दिए, पावर ऑफ यहाँ पर करने के बाद दोस्तों पावर ऑन ऑफ बटन और वॉल्यूम डाउन बटन दोनों को एक साथ यहाँ पर जैसे ही प्रेस करके रखेंगे दोस्तों, तो आपको जो है यहाँ पर आपको इस तरह से ओप्पो और आपको यहाँ पर रिकवरी मोड जो है इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा। और आगे में आपको कौन सा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है दोस्तों आपको यहाँ पर दिखाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों इस तरह से आगे में जो है आपको यहाँ पर और रिकवरी मोड यहाँ पर आने के बाद आपको इस तरह से लैंग्वेज का ऑप्शन आ जाएगा। लैंग्वेज का ऑप्शन यहाँ पर आने के बाद दोस्तों लैंग्वेज का जो ऑप्शन आएगा इस तरह से लैंग्वेज में जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों वाइप डाटा में यहाँ पर जैसे ही जाएंगे, इस तरह से वाइप डाटा में यहाँ पर जैसे ही जाएंगे, वाइप डाटा में जाएंगे दोस्तों, वाइप डाटा में जाने के बाद आपको यहाँ पर पावर ऑन ऑफ बटन को जैसे ही प्रेस करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, स्क्रीन लॉक यहाँ पर शो हो जाएगा, स्क्रीन लॉक यहाँ पर शो हो जाएगा दोस्तों। ये आपको पता नहीं है तो ये प्रॉब्लम क्यों आता है, यहाँ पर क्यों आपका हार्ड रिसेट सक्सेसफुल नहीं होता है, आपको इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों। आपको यहाँ पर जब तक पैटर्न पता नहीं है आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आपको यहाँ पर जो है हार्ड रिसेट सक्सेसफुल नहीं होगा। तो अगर इस तरह से फ़ोन को यहाँ पर रिबूट कर देंगे दोस्तों, यहाँ पर रिबूट कर देंगे, यहाँ पर रिबूट यहाँ पर करने के बाद आपको इस तरह से सेट ऑफ हो जाएगा। ऑफ होने के बाद दोस्तों फिर से ऑन होगा, ऑन यहाँ पर होगा दोस्तों, तब आपको यहाँ पर जब पूरा ऑन हो जाएगा तब आपको यहाँ पर एक एक स्टेप को बारीकी से और आपको ध्यान से करना है, जैसे हो रहा है वैसे ही आपको करके आपको यहाँ पर अनलॉक करना है। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले जो है आपको यहाँ पर इंजीनियर मोड यहाँ पर ओपन करेंगे, इंजीनियर मोड यहाँ पर ओपन करेंगे इस तरह से। सबसे पहले इंजीनियर मोड ओपन करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करेंगे, आपको यहाँ पर मैनुअल टेस्ट में जाएंगे। मैनुअल टेस्ट में यहाँ पर जाने के बाद दोस्तों और इसके बाद जो है मैनुअल टेस्ट में जाने के बाद अदर्स का जो ऑप्शन है यहाँ पर जाएंगे, अदर्स का ऑप्शन में यहाँ पर जाएंगे दोस्तों। अदर्स का ऑप्शन में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर इस तरह से रीड राइट में जाएंगे और इस तरह से यहाँ पर ओके करेंगे, इस तरह से ओके करेंगे दोस्तों, इस तरह से रीड राइट में जाके यहाँ पर ओके करेंगे और रीड राइट में ओके करेंगे दोस्तों। इसको आपको यहाँ पर तीन बार यहाँ पर करेंगे दोस्तों इस तरह से ओके। ओके करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर जो है डाटाबेस जो वर्जन है डाटाबेस वर्जन को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। डाटाबेस वर्जन को यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर दिखाते हैं कि आपका यहाँ पर अनसक्सेसफुल क्यों होता है। जीपीएस में जाएंगे दोस्तों कोई भी सक्सेसफुल यहाँ पर नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा दोस्तों। तो यहाँ पर इस तरह से इस ट्रिक में आपका यहाँ पर वर्किंग नहीं करेगा दोस्तों। उसको करने के लिए दोस्तों सॉफ्टवेयर को एक्टिवेट करना पड़ता है, तभी आपका यहाँ पर वर्क करेगा। सेम आपको दोस्तों इसी फ़ोन में आपका यहाँ पर कैसे सक्सेसफुल करना है वो आपको यहाँ पर दिखाएंगे दोस्तों। इस तरह से रीड राइट में जाकर कन्फर्म कोड यहाँ पर डालने का कोशिश करेंगे, कुछ भी यहाँ पर कन्फर्म कोड यहाँ पर डालने यहाँ पर नहीं देगा दोस्तों। तो आपको यहाँ पर कैसे करना है आपको यहाँ पर बताते हैं। तो इस तरह से ओके करके यहाँ पर बैक आ जाना है और आपको दोस्तों इमरजेंसी में जाना है। इमरजेंसी में यहाँ पर जाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर सेम टू सेम आपको यहाँ पर कोड आपको डाल के और जैसे आपको यहाँ पर कोड को हटाना नहीं है उस मेथड को अप्लाई करके आपको यहाँ पर अनलॉक करना है। पहला जो यहाँ पर कोड डालेंगे दोस्तों *#8362#0863#, पहला ये कोड है दोस्तों। पहला कोड को यहाँ पर डाल चुके हैं। पहला कोड यहाँ पर डालने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना है, कॉलिंग बटन को प्रेस करना है और ओके आएगा तो ओके करना है। कॉलिंग बटन को प्रेस करके दोस्तों यहाँ पर ओके करना है। इसको आपको कम से कम 5 times आपको करना है और कोड को मिटाना नहीं है। यहाँ पर होम की को प्रेस करके आपको यहाँ पर बाहर जाना है और फिर से इमरजेंसी में जाना है। उसके बाद दोस्तों दूसरा जो आपके पर कोड डालना है *#53693#8356#। इसको यहाँ पर प्रेस करने के बाद दोस्तों फिर से जो है इसको आपको सेलेक्ट करना है। नॉर्मल में इस कोड यहाँ पर वर्किंग नहीं करेगा दोस्तों, तो आपको यहाँ पर सेलेक्ट ऑल कर लेना है।
सिलेक्ट ऑल करने के बाद दोस्तों कॉलिंग बटन को यहाँ पर प्रेस करना है। इस तरह से कॉलिंग बटन को प्रेस करना है दोस्तों, ओके आएगा तब आपको यहाँ पर ओके करना है। इस तरह से ओके आएगा तब ओके यहाँ पर कर देना है दोस्तों। इस तरह से होम की को प्रेस करना है और फिर से आपको यहाँ पर इमरजेंसी में जाना है दोस्तों। इमरजेंसी में यहाँ पर जाने के बाद दोस्तों इमरजेंसी में जाएंगे, इसके बाद दोस्तों इसके आगे का जो कोड डालना है दोस्तों कैसे यहाँ पर एक्टिवेट होता है आपको यहाँ पर बताते हैं। इसके बाद हम लोग ऑफलाइन कोड का यहाँ पर अप्लाई करेंगे। इस तरह से ऑफलाइन मोड कोड का अप्लाई करेंगे, इमरजेंसी में जाएंगे दोस्तों। इमरजेंसी में जाने के बाद आपको यहाँ पर क्या करेंगे, कोड प्रेस करेंगे *333263*8369 और # इस कोड को प्रेस करेंगे दोस्तों। इस कोड को यहाँ पर प्रेस करने के बाद यहाँ पर भी जो है इसको नॉर्मल में आपको यहाँ पर इस तरह से कॉलिंग करना है, लेकिन आपका ऑफलाइन में करना है। यहाँ पर नेटवर्क आपका नहीं रहना चाहिए इस कोड को जब प्रेस करेंगे, इस बात का ध्यान देंगे। और इसके बाद आपको यहाँ पर होम की को प्रेस करना है, कोड को आपको मिटाना नहीं है। और इसको दोस्तों यहाँ पर अप्लाई करने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, एयरप्लेन मोड को जो है आपको यहाँ पर खोल देना है। इसके बाद एयरप्लेन मोड को खोल देना है, बस एक कोड के लिए आपको यहाँ पर करना था, वो हो चुका है। और होने के बाद दोस्तों आपको यहाँ क्या करना है, इमरजेंसी में जाना है। इमरजेंसी में यहाँ पर जाएंगे दोस्तों। इमरजेंसी में जाने के बाद इसके बाद का जो है इंजीनियर मोड को ओपन करने के लिए जो कोड है उसको अप्लाई करेंगे। और उसके बाद मैनुअल टेस्ट में जाएंगे दोस्तों। मैनुअल टेस्ट में यहाँ पर जाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर जो है अदर्स का ऑप्शन में यहाँ पर जाएंगे। अदर्स का ऑप्शन में यहाँ पर जाएंगे दोस्तों। अदर्स का ऑप्शन में यहाँ पर जाएंगे, इस तरह से अदर्स का ऑप्शन में जाएंगे दोस्तों। और अदर्स का ऑप्शन में जाने के बाद आपको यहाँ पर रीड राइट में जाएंगे दोस्तों। रीड राइट में जाकर टच करेंगे तो देख सकते हैं दोस्तों कन्फर्म कोड 100% यहाँ पर वर्किंग हो चुका है दोस्तों। इस तरह से जो है पहला स्टेप यहाँ पर 100% आपको लाइव प्रूफ यहाँ पर दिखाएं कि आपका यहाँ पर वर्किंग हो चुका है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर कोड आपको यहाँ पर प्रेस करना है, *633#। पहला कोड प्रेस करके इस तरह से वोरम पासपोर्ट का ऑप्शन आएगा दोस्तों। उसके बाद दूसरा आपको यहाँ पर कोड डालना है *#, और उसके बाद दोस्तों *8352*#। ये आपको यहाँ पर प्रेस करना है दोस्तों। इसको प्रेस करने के बाद फिर से ओके करना है। इस तरह से वर्म पासवर्ड का ऑप्शन आएगा दोस्तों, और उस पर फिर से आपको यहाँ पर जाना है। और जाने के बाद आपको कोड प्रेस करना है *8885#3#। इस कोड को प्रेस करना है दोस्तों। इस कोड को प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पर जो है ओके को प्रेस कर देना है। वर्म पासवर्ड का ऑप्शन आ जाएगा दोस्तों। उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, डाटाबेस को आपको सेलेक्ट करना है। सेम आपको यहाँ पर दोस्तों डाटाबेस को आपको सेलेक्ट कर रहे हैं, और सेम आपका यहाँ पर मोबाइल में दोस्तों इस ट्रिक को यहाँ पर सक्सेसफुल कैसे करना है ये आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ पर जैसे ही जाएंगे दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर GPS में यहाँ पर इंटर करेंगे, लाइव प्रूफ यहाँ पर देख ले दोस्तों कि 100% आपका सक्सेसफुल जो है हो चुका है। इस तरह से दोस्तों आपको यहाँ पर जो है उसको सक्सेसफुल लाना है। आपको यदि नहीं आ रहा है सक्सेसफुल तो आपको यहाँ पर दोबारा से फिर से और ट्रिक से करना है दोस्तों, सक्सेसफुल लाना है। और उसके बाद दोस्तों इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से डाटाबेस को यहाँ पर फिर से सेलेक्ट कर लेंगे। डाटाबेस को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे दोस्तों। डाटाबेस को यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पर फिर से रीड राइट में जाएंगे। और रीड राइट में जाने के बाद दोस्तों आपको जो पास इस तरह से ऑप्शन है, पास को यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा। पास आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर पास यहाँ पर देख लेना है। पास को यहाँ पर चेक करने के बाद दोस्तों हम लोग जो है इस तरह से होम की को प्रेस करेंगे। और उसके बाद होम की को प्रेस करने के बाद दोस्तों इमरजेंसी में जाएंगे। इमरजेंसी में यहाँ पर जाएंगे दोस्तों। इमरजेंसी के बाद जाने के बाद दोस्तों इसके बाद का जो कोड है इस फाइनल कोड को यहाँ पर डालेंगे दोस्तों। *333#*0003*4*03#, इसको प्रेस करना है दोस्तों। और ये जो कोड को प्रेस करेंगे दोस्तों, उसको कॉलिंग बटन पर यहाँ पर प्रेस करेंगे, ओके आएगा दोस्तों, तो ओके करना है। इसको भी दोस्तों आपको यहाँ पर 5 times आपको यहाँ पर लगभग आपको करना है, मिनिमम 5 times करना है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आपको होम की को प्रेस करके बैक आ जाना है। उसके बाद दोस्तों पावर ऑन ऑफ बटन को प्रेस करके रखना है। पावर ऑन ऑफ बटन को प्रेस करके रखना है दोस्तों। मोबाइल को यहाँ पर इस तरह से पावर ऑफ यहाँ पर कर देना है। पावर ऑफ यहाँ पर कर देंगे दोस्तों। पावर ऑफ यहाँ पर करने के बाद दोस्तों पावर ऑन ऑफ बटन और वॉल्यूम डाउन बटन दोनों को एक साथ प्रेस करके रखना है। दोनों को एक साथ यहाँ पर प्रेस करके रखेंगे दोस्तों। प्रेस करके रखने के बाद इस तरह से जो है ओप्पो और आपका यहाँ पर रिकवरी मोड इस तरह से आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ओप्पो और रिकवरी मोड दोस्तों। और उसके बाद कुछ देर के बाद जो है आपको अगला ऑप्शन आएगा, ओप्पो रिकवरी मोड यहाँ पर आने के बाद दोस्तों कुछ देर के बाद जो है अगला ऑप्शन आएगा इस तरह से। और आपको यहाँ पर लैंग्वेज को यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है इस तरह से आगे जैसे किए थे। और उसके बाद यहाँ पर वाइप डाटा में जाएंगे। वाइप डाटा में यहाँ पर जाएंगे दोस्तों। वाइप डाटा में यहाँ पर जाने के बाद दोस्तों वाइप डाटा में जैसे ही इंटर करेंगे दोस्तों, और उसके बाद यहाँ पर 100% यहाँ पर सक्सेसफुली यहाँ पर इंटर कर चुके हैं। उसके बाद फॉर्मेट डाटा में जाकर दोस्तों जो हम लोग का पैटर्न का प्रॉब्लम था इसको हम लोग रिसेट कर देंगे। तो इस तरह से ओके यहाँ पर कर देंगे दोस्तों 100% दोस्तों। यहाँ पर ट्रिक के साथ यहाँ पर देख सकते हैं 100% सक्सेसफुल यहाँ पर हो चुका है। तो इस ट्रिक को दोस्तों आपको आपको अप्लाई करना है। अप्लाई करके आपका जो है यहाँ पर आप जो भी पैटर्न पिन पासवर्ड भूल गए हैं तीनों में वर्क करेगा दोस्तों, 100% आप यहाँ पर कर पाएंगे। तो इसको यहाँ पर करने के बाद दोस्तों यहाँ पर जो है वीडियो को आगे फॉरवर्ड करते हैं। और इसके बाद फार्मी का जो प्रॉब्लम आता है उसको भी आपको यहाँ पर प्रॉब्लम को यहाँ पर सॉर्ट आउट करते हैं। तो इस तरह से आपको यहाँ पर
लैंग्वेज को सेलेक्ट कर लेना है दोस्तों, टर्म्स ऑफ यूज को इस तरह से आपको कर लेना है, इस तरह से उसके बाद यूज मोबाइल डाटा को यहाँ ड्रॉप करके कंटिन्यू कर देना है दोस्तों। इसको कंटिन्यू करने के बाद दोस्तों फिर से यहाँ पर स्किप का ऑप्शन आएगा, स्किप यहाँ पर कर देना है, इस तरह से कंटिन्यू कर देना है। और दोस्तों आपको यहाँ पर यदि इस तरह से आपको यहाँ पर अनलॉक करने में कोई दिक्कत होता है, स्किप का ऑप्शन नहीं आता है, तो सिंपल दोस्तों आपको इमरजेंसी में जाना है, *813# प्रेस करना है, आपका जो है FRP यहाँ पर बाईपास हो जाएगा। तो इस तरह से कंटिन्यू कर देना है दोस्तों, इस तरह से गूगल सर्विस आएगा, इसको एक्सेप्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर आपको ये सब ब्लॉक वगैरह ये सब को स्किप कर देना है, सॉफ्टवेयर अपडेट को यहाँ पर कंटिन्यू इस तरह से कर लेना है, आपको सेट न्यू ऑपो फोन में सेलेक्ट कर लेना है, और आपको इसके बाद इसको अनटिक करके इसको स्किप कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर वेलकम का ऑप्शन आ गया है, उसके बाद जेट स्टार्ट में टच करेंगे दोस्तों। जेट स्टार्ट में टच करने के बाद आपका जो है फ़ोन इस तरह से देख सकते हैं 100% आपका सक्सेसफुली अनलॉक।